नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। अद्य ऋषिपञ्चम्यवसरे अत्र साक्षात् समुपस्थितेभ्यः ऋषिकल्पेभ्यः परमश्रद्धेयेभ्यः मोरारी बापू महाभाग्येभ्यः अन्येभ्यश्च श्रीशाङ्करवेदान्तदर्शने कृतभूरिश्रमेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र भवद्भ्यः विद्वद्भ्यः विदुषिभ्यश्च प्रणतिततिपुरःसरं स्वीयं वक्तव्यम् आरभे। मैं आभारी हूँ परम आदरणीय गौतम भाई पटेल, श्री हरिश्चंद्र जोशी और प्रोफेसर विजय पंड्या जी की। आपने तीसरी बार मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया और इस पूर्णाहुति सत्र में मुझे अपनी आहुति समर्पित करने का सौभाग्य दिया। मेरे व्याख्यान के तीन भाग हैं। पहला श्री शंकराचार्य, जिस पर मुझे बहुत कुछ कहने की अपेक्षा नहीं क्योंकि पिछले दो दिनों के चार सत्रों में इस पर विद्वानों द्वारा पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। दूसरा भाग मेरे लिए मुख्य है, जिस शास्त्र की मैं विद्यार्थिनी हूँ, वैशेषिक दर्शन। पिछले चार दशक से इसी शास्त्र के स्वल्प अभ्यास का मैं प्रयास कर रही हूँ। और तीसरा भाग है शंकर मत एवं वैशेषिक दर्शन में तुलना और शंकराचार्य द्वारा वैशेषिक मत का खंडन। श्री शंकराचार्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की प्राचीन आचार्य परंपरा के प्रशस्ततम प्रतिनिधि हैं। भारतीय मनीषा का प्रखर शिखर उनकी कृतियों में मूर्तिमान होकर परिलक्षित होता है। आस्तिक भारतीय चिंतन परंपरा में षड दर्शन माने गए हैं और श्री शंकराचार्य का दर्शन उनमें मूर्धन्य मणि के रूप में समादृत है। इसका कारण ये है कि श्री शंकराचार्य ने न केवल भारतीय धर्म और दर्शन में समन्वय का सूत्रपात किया, अपितु उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान और कर्म, निर्गुण और सगुण, भक्ति और शक्ति, संन्यास तथा सामाजिक संगठन, श्रद्धा और तर्क में अपूर्व मणिकांचन संयोग का साक्षात निदर्शन भी प्रस्तुत किया। यद्यपि परवर्ती काल में महात्म्य अर्जन हेतु अनेक विद्वानों ने शंकराचार्य नाम ग्रहण कर लिया, जैसे कालिदास प्रसिद्ध हुए तो अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं कालिदास नाम से प्रसिद्ध करनी चाहीं, वैसे ही शंकराचार्य नाम से भी अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हुए। तथापि आज उस अद्वितीय एवं प्रातः स्मरणीय व्यक्तित्व को ही आदि शंकराचार्य नाम से जाना जाता है, जो भारत की अनूठी आचार्य परंपरा की महिमामयी कड़ी माने जाते हैं। अद्भुत पांडित्य, अलौकिक प्रतिभा एवं अनवद्य संस्कृत सामर्थ्य के साथ साथ भारत की समस्त शास्त्र परंपरा का पुनीत पुंज जिस दिव्य देह में प्रकट हुआ, उस स्वनामधन्य आचार्य शंकर के कृतित्व पर आधारित इस संस्कृत सत्र में सम्मिलित होने का सौभाग्यपूर्ण सुअवसर प्रदान करने हेतु परम पूज्य मोरारी बापू को सश्रद्ध प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य आरंभ करती हूँ। श्री शंकराचार्य भारतीय दर्शन परंपरा में निर्विवाद रूप से अग्रगण्य हैं। उनका तत्व दर्शन न केवल श्रुति की सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित है अपितु आचार और अनुभव की कसौटी पर भी खरा उतरता है। जड़ और चेतन, जगत एवं ब्रह्म, व्यष्टि एवं समष्टि,
साकार एवं निराकार तथा व्यवहार एवं वास्तविकता के मध्य सतत चलने वाला सनातन द्वंद्व शंकर मत में सर्वथा समाहित हो जाता है। शंकराचार्य भारतीय प्रज्ञा के उत्कृष्टतम मुकुटमणि हैं। उनका गहन चिंतन, अगाध निष्ठा एवं तर्कपूर्ण उद्भावनाएं भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य निधि हैं। परम सत्य के अन्वेषण की तीर्थ यात्रा पर निकले आचार्य शंकर ने श्रुत्याधारित आत्मतत्व को ही एकमात्र सत्तत्व घोषित किया तथा उसकी अद्वैत परक व्याख्या प्रस्तुत की। उनकी तात्कालिक पृष्ठभूमि के विषय में पहले दिन श्री बलदेवानंद सागर जी ने प्रकाश डाला था। उस समय एक ओर मीमांसा सम्मत कर्मकांड चरम पर था तो दूसरी तरफ इसके घोर विरोध में बौद्ध दर्शन की सर्वथा त्याग परक पद्धति प्रचलित थी। ऐसे समय में शंकराचार्य ने न केवल इन दोनों एकांतिक विचारधाराओं का विरोध किया अपितु भारतीय धर्म एवं दर्शन की सभी विकृतियों का निराकरण करके सत्य सनातन वैदिक धर्म का पुनः प्रतिष्ठापन किया, जो स्वरूपतः सर्वग्राही एवं समन्वयवादी है। इसीलिए उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता पर ऐसे भाष्य लिखे जो भारतीय दर्शन की अमूल्य धरोहर बन गए। मैं उद्धृत करना चाहूँगी डॉक्टर राधा कृष्णन को, जो लिखते हैं शंकराचार्य के विषय में, उनका दर्शन संपूर्ण रूप में उपस्थित है, जिसमें न किसी पूर्व की आवश्यकता है न अपर की। चाहे हम उनके विचारों से सहमत हों या नहीं, उनके मस्तिष्क का प्रकाश हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। इसमें संदेह नहीं कि शंकराचार्य से पूर्व एवं पश्चात सभी आस्तिक भारतीय दर्शन सदा से आत्मज्ञान को ही अपना लक्ष्य मानते रहे हैं। और भारतीय दर्शन ही क्यों, यूनानी दार्शनिक सुकरात ने भी उद्घोष दिया, नो दाई सेल्फ। भारत में महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, और उसी सत्य का उद्घाटन किया जिसे उपनिषदों में आत्मानम विद्धि कहकर पौनः पुण्येन प्रकट किया गया। शंकराचार्य ने अपरिणामी ब्रह्म से इस परिणामी विश्व की उत्पत्ति तथा दृश्यमान विविधता के लिए मायावाद की एक सुसंबद्ध परिकल्पना दी तथा उसे श्रुति वचनों से समर्थित भी किया। उनके विचार में आत्मा का ज्ञान केवल अनुभवगम्य है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा स्वयं सिद्ध है। जगत में दृश्यमान परिवर्तनशील वस्तुओं का एक अखंड अपरिवर्तनीय आधार आत्मा है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध एवं चैतन्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसके विषय में कल आदरणीय प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री जी ने बहुत ही सरस रीति से हमारे समक्ष विवेचन प्रस्तुत किया। अतः मैं इस अंश को छोड़ते हुए अब अपने व्याख्यान के मुख्य घटक पर आती हूँ, जो वैशेषिक दर्शन है। इसके विषय में भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि यद्यपि यहाँ संगोष्ठी हो रही है श्री शंकराचार्य पर, और पूर्व पक्ष के रूप में शंकराचार्य ने अनेक दर्शनों का खंडन किया है, कल भी गोदावरीश मिश्र जी ने उसका संकेत किया और अभी संयोजिका महोदया ने भी उसका निर्देश किया, किंतु केवल वैशेषिक दर्शन को लेकर ये प्रस्तुति करने का मुझे अवसर दिया गया। मैं कहना चाहती हूँ कि परसों से अनेक वक्ताओं ने शंकराचार्य पर बोलते हुए वैशेषिक के प्रमुख सिद्धांतों का निर्देश यहाँ किया है। पहले ही दिन बसंत पारिख जी ने मंगलवाद की चर्चा की। भारतीय परंपरा में मंगलाचरण हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। लेकिन न्याय वैशेषिक ने मंगलाचरण को एक वाद बना दिया, थियरी ऑफ मंगल। तत्वचिंतामणि में गंगेश उपाध्याय ने मंगलवाद नाम से एक चैप्टर लिखा और आर्ग्यूमेंट्स दिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि मंगल क्यों करना चाहिए। तो पहले दिन
उद्घाटन सत्र में मंगलवाद की चर्चा हुई। उसके बाद शुचिता बहन ने अपने वक्तव्य में, जो बृहदारण्यक उपनिषद पर था, आपने कारणवाद की चर्चा की। उसमें वेदांत और न्याय वैशेषिक में जो अंतर है उसकी ओर संकेत किया। तत्पश्चात कल गौतम भाई ने अभाव के चारों प्रकारों का निर्देश किया, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव, जो कि वैशेषिक द्वारा ही इदम प्रथमतया प्रतिपादित हैं। प्रोफेसर भट्ट ने अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व की चर्चा की और धर्म की परिभाषा हम सब उद्धृत करते हैं, यतोभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स धर्म, बिना ये जाने कि ये परिभाषा, प्रायः बिना ये जाने कि ये परिभाषा महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में दी है। उस वैशेषिक सूत्र के प्रवर्तक महर्षि कणाद को मैं आज नमन करती हूँ और उनके द्वारा जो प्रवर्तित वैशेषिक दर्शन है उसके मुख्य सिद्धांतों का अत्यंत संक्षेप में मैं परिचय कराना चाहूँगी। आस्तिक षड दर्शनों में गिना जाता है वैशेषिक दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। लेकिन इस दर्शन की अनेक विशेषताएं हैं, नाम ही है वैशेषिक। एक कारण तो वो है जो अभी संयोजिका जी ने बताया कि इसमें विशेष पदार्थ को माना गया है, लेकिन अनेक कारणों में से एक कारण ये भी है कि इस दर्शन धारा ने अध्यात्म की गहराइयों से प्रारंभ न करके दृश्य जगत की वास्तविकता को समझने का विलक्षण प्रयास किया और समस्त संसार को छह पदार्थों में वर्गीकृत किया, जो आज भी विश्व के दार्शनिक चिंतन में विपुल शोध एवं प्रगत अध्ययन का विषय बना हुआ है। ये छह पदार्थ जो कणाद ने माने, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। पश्चादवर्ती काल में, क्योंकि ये घोषणा की गई कि समस्त विश्व का ज्ञान इन छह पदार्थों को जानने से हो जाता है, इससे अवशिष्ट कुछ नहीं है, तो ये अनुभव किया गया कि अभाव को माने बिना जगत की व्याख्या पूरी नहीं होती, इसलिए अभाव को भी पदार्थ के रूप में जोड़ा गया। तदनुसार पहला पदार्थ है द्रव्य, इसे सर्व प्रमुख माना। श्रीधराचार्य अपनी न्याय कंदली में लिखते हैं, आदौ द्रव्यस्य उद्देशः प्रधानत्वात् प्रथमत्वाच्च। ये जो निर्देश का क्रम होता है भारतीय दर्शन में, वो भी अनायास और अकारण नहीं होता। निर्देश में जो क्रम है उस क्रम का भी एक प्रयोजन होता है। तो सबसे पहले द्रव्य को रखा, क्योंकि द्रव्य सर्व प्रमुख है, सर्व प्रधान है। बाद वाले जो पदार्थ हैं, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय, वे द्रव्य पर ही आश्रित होते हैं। द्रव्य नौ माने गए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इनमें से पहले चार सावयव हैं, उनके अवयव होते हैं, और अवयव से अवयव, अवयव से अवयव धारा के अंत में जो अंतिम अवयव है वो है परमाणु। परमाणु नित्य हैं और जो उसके द्वारा बने हुए कार्य हैं वे अनित्य हैं। चार प्रकार के परमाणु हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो ये चार द्रव्य सावयव द्रव्य हैं और जो अंतिम पांच द्रव्य हैं, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये नित्य द्रव्य हैं। इन नित्य द्रव्यों में भी आत्मा और मन संख्या में अनंत हैं, जबकि आकाश, काल और दिक एक एक हैं, नित्य हैं और विभू हैं। इन द्रव्यों पर आश्रित रहने वाले हैं गुण। गुण का एक अर्थ हम संस्कृत वाले जानते हैं, जो गौण होता है उसे भी गुण कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा गौण है, क्योंकि गुण द्रव्य के बिना रह नहीं सकता, इसलिए वो गुण है। कणाद ने 17 गुणों का निर्देश किया, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, और अंत में कहा च, द्वेष प्रयत्नाश्च गुणाः। भाष्यकार प्रशस्त पाद आए
और उन्होंने कहा चकार से सात गुणों का संग्रह और कर लेना चाहिए। कौन से? गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। कुल मिलाकर 24 गुण हैं। फिर उल्लेख करूंगी कि इन 24 गुणों के क्रम में भी एक विशेष प्रयोजन है जो उनका अध्ययन और सूक्ष्म निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है। तीसरा पदार्थ कर्म। गुण और कर्म में अंतर क्या है? गुण द्रव्य के स्थिर या अपरिवर्तनीय धर्म हैं, जबकि कर्म उसका परिवर्तनशील गत्यात्मक वैशिष्ट्य है। ये गति 5 प्रकार की होती है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इनमें प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली वॉलंटरी एक्शंस और अयत्न पूर्वक होने वाली इनवॉलंटरी एक्शंस, सारी क्रियाएं समाहित हैं। भौतिक द्रव्यों पृथ्वी, जल, तेज, वायु के साथ साथ मन की क्रियाएं भी इसमें समाहित हैं। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की भौतिक गतियों, काइनेटिक मोशन का विवरण वैशेषिक दर्शन के परवर्ती ग्रंथों में विस्तार से पाया जाता है, जिसके आधार पर प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ सील ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉजिटिव साइंसेज ऑफ द एंशियंट हिंदूज में विस्तार पूर्वक निर्देश किया है। इसी प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध कर्म नियम और कणाद के द्वारा निरूपित कर्म प्रक्रिया में भी संगति पाई जाती है, जिसका संकेत भी वैशेषिक ग्रंथों में किया गया है। और आधुनिक युग में नारायण गोपाल डोंगरे का एक ग्रंथ है, वैशेषिक सिद्धांता नाम गणितीय पद्धत्या विमर्शः। वैशेषिक दर्शन में ऊपर से नीचे गिरने वाली वस्तु में गुरुत्व गुण को कारण कहा गया है, जिसे गणित ज्योतिष के विद्वानों आर्यभट्ट, भास्कर और ब्रह्मगुप्त आदि ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में व्याख्यायित किया है, जिसकी वजह से पृथ्वी किसी भी भूत द्रव्य को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ये मैंने संकेत इसलिए किया कि वैशेषिक दर्शन दृश्य भौतिक जगत की व्याख्या कर रहा है और आज के वैज्ञानिक युग में ये बहुत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण हो रहा है। द्रव्य, गुण एवं कर्म, इन तीन पदार्थों में पाई जाने वाली नित्य और नैसर्गिक समानता को वैशेषिक दर्शन में सामान्य नाम से बताया है। सामान्य वो नहीं है जो हम सब दृश्य लोगों में पाई जाने वाली समानता है, सामान्य नित्य है, नैसर्गिक है। परवर्ती काल में न्याय दर्शन ने इसकी व्याख्या जाति के रूप में की, लेकिन ये जाति वो नहीं है जिसे आज हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। मनुष्यत्व जाति है, लेकिन उसके अतिरिक्त जितनी अवांतर जातियां हमने आरोपित कर दी, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व इत्यादि, वे न्याय वैशेषिक के अनुसार जातियां नहीं हैं। यह भी ध्यातव्य है कि न्याय वैशेषिक ने अपनी इस सामान्य या जाति की परिकल्पना के द्वारा बौद्ध दर्शन के अपोहवाद का, बौद्ध दर्शन भी सामान्य को मानता है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना, सीधे सीधे न जाकर घुमा कर किसी चीज़ का वर्णन करना, वो वाया निगेटिवा चलते हैं, तो अतद व्यावृत्ति, डबल निगेशन लगाकर उसी बात की व्याख्या करते हैं जिसे वैशेषिक में सामान्य कहा। फिर आता है पांचवा पदार्थ। चार हमने देखे, द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य। अब है पांचवा पदार्थ विशेष, जिसके कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है। ये विशेष भी, हम सब में कुछ ना कुछ दृश्य विशेषताएं हैं, पहचान लेते हैं कि आप बापू हैं, आप गोदावरीश जी हैं, आप बलदेवानंद जी हैं, ये विशेषता है। लेकिन ये विशेषता जो दृश्य है, ये वैशेषिक दर्शन का विशेष नहीं है। विशेष का नाम है अंत्य विशेष, जो अंतिम वस्तु में पाया जाए। अंतिम क्या है? पहले चार द्रव्यों के अंतिम अवयव यानी परमाणु।
परमाणु भी एक दूसरे, जहाँ शंकराचार्य सब में एकत्व की बात कर रहे हैं, वैशेषिक दर्शन अपनी विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के चलते एक एक परमाणु में भी भेद स्वीकार करता है. डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर ईच ऑफ द एंटिटीज ऑफ द वर्ल्ड. और वो आइडेंटिटी कहाँ से आती है? विशेष के द्वारा आती है. विशेष स्पष्टतः संख्या में अनंत हैं, क्योंकि अनंत परमाणु हैं, अनंत आत्माएं हैं और अनंत मन हैं. तो आत्माओं में भी विशेष है और मन में भी विशेष है. छठा पदार्थ समवाय, जो श्री शंकराचार्य की प्रखर आलोचना का शिकार बना, वो समवाय वैशेषिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है. वास्तव में एक विद्वान ने यहाँ तक कहा है कि यदि द्रव्य गुण और कर्म ईंटे हैं जिन पर वैशेषिक का भवन खड़ा है, तो ये समवाय वो सीमेंट है, वो मॉर्टर है जिसके द्वारा उन ईंटों को परस्पर जोड़ा जाता है. समवाय का लक्षण कणाद ने किया, इहेदमिति यतः कार्य कारणयोः समवायः, इह इदम इति, जिसके कारण कारण कार्य और कारण में ये प्रतीति होती है कि ये यहाँ है, ये मेज है. यदि ये शीशे का बना है या लकड़ी का बना है, तो कारण में और कार्य में जो परस्पर संबंध है वो संबंध समवाय है. संबंध भी दो प्रकार के वैशेषिक में माने गए, बाद में नैयायिकों ने उसमें तीसरा स्वरूप संबंध भी जोड़ा, लेकिन वैशेषिक में दो ही संबंध हैं. एक संयोग है जो कि गुण में गिनती कर ली, दूसरा समवाय है जो कि एक पदार्थ है. संयोग केवल दो द्रव्यों के बीच होता है. ये बॉटल इस मेज पर रखी है, जब चाहे हम बॉटल को उठा सकते हैं, ना मेज ना बोतल के स्वरूप पर उससे कोई अंतर नहीं आएगा. लेकिन समवाय दो पदार्थों के बीच होता है, संयोग दो द्रव्यों के बीच होता है, समवाय दो पदार्थों के बीच, द्रव्य और गुण, द्रव्य और कर्म, द्रव्य और सामान्य, द्रव्य और विशेष, इन सबको जो जोड़ता है वो है समवाय. पांच युगल ऐसे बताए गए जिनमें समवाय संबंध पाया जाता है. अवयव और अवयवी, ये शरीर एक अवयवी है, इसमें अवयव हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, ये सब अवयव और अवयवी. वैशेषिक के अनुसार अवयव और अवयवी अलग अलग हैं, एक नहीं है. वेदांत में कुछ भी अलग नहीं है, वहाँ सब कुछ अभिन्न है, यहाँ सब कुछ भिन्न है. अवयव और अवयवी भिन्न हैं. जाति और व्यक्ति, मनुष्यत्व जाति है और हम सब मनुष्य हैं. हम अमेरिका जाएं, चीन जाएं, जापान जाएं, आकृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कोई आके बताता नहीं कि ये मनुष्य है, ये गाय है, देखते ही पहचान लेते हैं हम. क्यों? क्योंकि उनके अंदर मनुष्यत्व जाति समवाय संबंध से रहती है. तो जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी. अगर ये कागज़ है, ये सफ़ेद है, तो ये शुक्ल रूप और ये पत्र, इनमें क्या संबंध है? इनमें भी समवाय संबंध है. फिर कहूँगी गुण और गुणी, द्रव्य के, जाति और व्यक्ति, अवयव और अवयवी, ये सब अलग अलग हैं और उनमें कुछ ऐसा विलक्षण संबंध है जो संयोग जैसा बाह्य संबंध नहीं है. एक विलक्षण संबंध है, वही समवाय है. अगला युगल क्रिया और क्रियावान, कर्म और द्रव्य हो गया. द्रव्य में गति होती है, हमने अभी बात की, गाड़ी चल रही है, गाड़ी द्रव्य है और उसका जो चलन रूप, अभी हमने ऊपर से गेंद नीचे फेंकी, अपक्षेपण, किस में हो रहा है अपक्षेपण? गेंद में. तो गेंद द्रव्य है और अपक्षेपण क्रिया किस में हो रही है? गेंद में. तो ये क्रिया और क्रियावान में क्या संबंध है? ये भी समवाय संबंध है. और अंत में विशेष और नित्य द्रव्य, अनंत परमाणु, अनंत आत्माएं और अनंत मन, इनमें सब में अपना अपना विशेष है. अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है गड़मड़ कि किसी का विशेष कहीं चला जाए और किसी का किसी और के साथ जुड़ जाए, कर्मों का खाता कैसे खोला जाएगा फिर? लेकिन प्रत्येक आत्मा का अपना विशेष, प्रत्येक परमाणु का अपना विशेष,
प्रत्येक मन का अपना विशेष उसके साथ समवाय संबंध, ऐसा संबंध है कि उनमें से एक को तो नष्ट ही होना पड़ेगा, तभी वो दोनों अलग किए जा सकते हैं। अब ये हमने 6 पदार्थ पढ़े, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। देखिए इनमें से एक एक पदार्थ को समझाने के लिए साल साल भर क्लास लेनी होती है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैंने ये आपको संकेत किया है। परवर्ती काल में लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास वैशेषिक दर्शन में एक सातवां पदार्थ जोड़ा गया। किसने जोड़ा? एक तो आचार्य हैं शिवादित्य, जिनका नाम, ग्रंथ का नाम ही है सप्त पदार्थी। लगता है कि उन्होंने सातवां पदार्थ जोड़ा, लेकिन प्रसिद्धि ये है कि उदयनाचार्य ने पहली बार, वो भी 10वीं शताब्दी के हैं और बहुत ही प्रखर आचार्य हैं उदयनाचार्य, मैथिल विद्वान हैं, उन्होंने लक्षणावली नामक ग्रंथ में पदार्थों को पहले दो भागों में बांटा, भाव और अभाव, और फिर कहा कि भाव पदार्थ 6 प्रकार के हैं। तो ये अभाव की परिकल्पना, जैसा कि हमने 2 दिन व्याख्यान सुने और जाना कि व्यावहारिक धरातल पर शंकर वेदांत में भी ये परिकल्पना है, किंतु उसे सर्वथा सत नहीं कहा जा सकता। न तो वो अभाव ब्रह्म की भांति सत है और ना ही सर्वथा असत है। अतः शंकराचार्य का मत वैशेषिक और बौद्ध के बीच में दोनों एकांतिकताओं का निवारण करते हुए उनकी परिकल्पना कुछ अलग है। और भारतीय दर्शन में एक परिकल्पना को समझने के लिए केवल एक दर्शन पढ़ना काफ़ी नहीं होता। वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने बहुत ही सुंदर कहा है, प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः कियद्वा शक्यमुन्नेतुम स्वतर्कम अनुधावता। प्रज्ञा को ये जो विवेक, जिसकी बात कल गौतम भाई ने की, ये विवेक कहाँ से मिलता है? केवल अपना ही शास्त्र पढ़ते रटते घोटते रहने से विवेक नहीं आएगा। प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः, भिन्न भिन्न दर्शनों को पढ़ने से ही विवेक आता है। और अगली पंक्ति और भी सुंदर, कि यद्वा शक्यमुन्नेतुम स्वतर्कम अनुधावता। अगर अपने ही तर्क के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे तो कितना आगे जा पाएंगे? कहीं नहीं पहुँचेंगे, वहीं घूम फिर कर फिर वहीं आ जाएंगे। इसीलिए जो भी कोई दर्शनकार अपना ग्रंथ लिखता है, वो किसी भी परंपरा का हो, वो दूसरे दर्शनों को ले आता है। यहाँ तो शास्त्रार्थ होते हैं, सत्र हो रहे हैं और पूज्य बापू इन सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। प्राचीन समय में भी जनक राज जो मिथिला नरेश थे, वो ऐसे शास्त्रार्थ सत्रों का आयोजन करते थे। लेकिन जब ग्रंथ रचना, जब ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति शुरू हुई, अब अपने शास्त्र का लेखन करते समय सत्र का आयोजन नहीं किया जाता, वहाँ सत्र को वहीं ग्रंथ में समाविष्ट कर लिया जाता है। और उसमें भी पहले किसे, पहला आदर, पहला स्थान किसे दिया जाता है? उसका नाम ही कर दिया पूर्व पक्ष। चाहे उसे दुर्जन तोष न्याय कह लो, चाहे उसे सिद्धांत को समझने की प्रवृत्ति कह लो, जब तक दूसरे की बात हम समझेंगे नहीं, तब तक उसे काटेंगे कैसे? अगर आप वैशेषिक को पढ़ेंगे ही नहीं, भले ही आप शंकराचार्य के मत को मानते हों, जब तक वैशेषिक को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक शंकराचार्य की समीक्षा का रहस्य आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का नाम रखा तर्कपाद। और तर्क के पहले वो उन्होंने श्रुति के आधार पर या वाक्य, उपनिषद वाक्यों के आधार पर चर्चा की, तो पहले अध्याय के पहले ही पाद के पहले सूत्र में मीमांसा का खंडन कर दिया, जो कि उनका सिस्टर स्कूल है पूर्व मीमांसा, उसका खंडन वहाँ कर लिया। तर्कपाद में सांख्य मत, वैशेषिक मत, बौद्ध के 3 संप्रदाय, जैन मत, शैव मत और पांचरात्र मत, इन सब का खंडन किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि शंकराचार्य ने इसके द्वारा न केवल अपने समय में प्रचलित भारतीय दार्शनिक परंपरा के सभी सिद्धांतों का विश्लेषण और विवेचन किया,
अपितु उन सब में अंतर्निहित विसंगतियों का प्रकाशन किया और अपना अद्वैतवादी मत प्रतिष्ठित किया। अब अगर आप जाकर उदयन का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पूर्व पक्ष कोई और हो जाएगा, फिर वो अपने वैशेषिक मत की प्रतिष्ठा करेंगे। तो भारतीय दर्शन इसी प्रणाली से आगे बढ़ता रहा है, ये प्रवृत्ति चलती रही है। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ईमानदार भाष्यकार के रूप में श्री शंकराचार्य बादरायण व्यास के मत का अनुपालन एवं परिपोषण कर रहे हैं। उनका आशय किसी मत के प्रति द्वेष या दुर्भावना कदापि नहीं। जैसा कि स्वयं उनके शब्द हैं जो कल भी उद्धृत किए गए गोदावरीश जी के द्वारा, यद्यपिदं वेदांतवाक्यानां ऐदं पर्यं निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्तम् न तर्कशास्त्रवत् केवलाभिर्युक्तिभिः कञ्चित् सिद्धान्तं साधयितुं वा प्रवृत्तम् तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यक् दर्शन प्रतिपक्षभूतानि सांख्यादिदर्शनानि निराकरणीयानि। शंकराचार्य अपने दर्शन को सम्यक दर्शन कह रहे हैं, लेकिन जब आप रामानुज के पास जाते हैं तो उनका दर्शन सम्यक हो जाता है और ये असम्यक। तो ये ध्यातव्य है कि हमारे भारतीय दर्शन के शास्त्रीय ग्रंथों की ये पद्धति रही है कि सर्वत्र पहले पूर्व पक्ष का उपस्थापन, फिर उसमें दोषों का उद्भावन और अंततः उन दोषों का उद्भावन करते हुए अपने मत यानी सिद्धांत पक्ष का प्रतिष्ठापन किया जाता है। शास्त्र परंपरा की इसी पद्धति से भारतीय दर्शनों का विकास हुआ है, किंतु इसका मूल लक्ष्य छिद्रान्वेषण नहीं तत्वान्वेषण रहा है। वादे वादे जायते तत्वबोधः। यही कारण है कि जब श्री शंकराचार्य वैशेषिक मान्यताओं का खंडन करते हैं तो उनमें दोष प्रदर्शन करते हुए उनके सिद्धांतों को शिष्ट अपरिगृहित विशेषण से अभिहित अवश्य करते हैं, किंतु अन्यत्र उन्हें प्रसिद्ध माहात्म्यानुमत भी कहते हैं। प्रसिद्ध माहात्म्यानुमतानामपि तीर्थंकराणां कपिल कणभुक प्रभृतीनां परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्। अगर विप्रतिपत्ति न हो तो दर्शन खत्म हो जाएगा। दर्शन का उद्देश्य ही है एक नई दृष्टि को जन्म देना, सारी दृष्टियों को देखते हुए उनमें जो कमियां हैं उन विसंगतियों और कमियों का प्रदर्शन करते हुए एक नई दृष्टि को स्थापित करना। जब तक ये परंपरा स्वस्थ रूप से भारत में चलती रही तब तक दर्शनों का विकास होता रहा, लेकिन जब ये परंपरा स्थगित हो गई तो भारतीय दर्शन में मौलिक चिंतन का विकास भी प्रतिहत हो गया। इस पृष्ठभूमि में अब मैं आती हूँ दूसरा जो मेरे व्याख्यान का भाग है, तीसरा, शंकराचार्य एवं वैशेषिक दर्शन। शंकराचार्य के विषय में आप लोगों को कुछ बताने की अपेक्षा नहीं, वैशेषिक दर्शन के विषय में संक्षेप से मैंने बताया। अब इस पृष्ठभूमि में जब हम शंकराचार्य एवं वैशेषिक दर्शन दोनों पर एक विचार तुलनात्मक विचार हेतु प्रवृत्त होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपाततः दोनों में विरोध है और विसंगति है, किंतु जब हम सूक्ष्म अन्वीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि वस्तुतः उनमें विरोध नहीं वैषम्य है, क्योंकि दोनों का आधारभूत दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। एक कहीं और खड़ा है और दूसरा कहीं और खड़ा है। जो इधर से आएगा उसका रास्ता अलग होगा, लेकिन जो उधर से आएगा उसका रास्ता अलग होगा। तो रास्ते अलग अलग हैं, उनकी दृष्टियाँ भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि उनके प्रयोजन भिन्न हैं, उनकी प्रतिज्ञा भिन्न है, उनका प्रतिपाद्य भिन्न है। देखिए, सबसे पहला दृश्य जगत की दृष्टि से शंकराचार्य दृश्य जगत की त्रिकाला बाधित सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दृश्य जगत जो है ये, इसकी त्रिकाला बाधित सत्ता नहीं है, वो केवल एक ही है परम सत। उसकी केवल इस जगत की कैसी सत्ता मानते हैं, व्यावहारिक सत्ता। उनका सिद्धांत है कि नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रह्म आत्मा या परम चैतन्य ही सत है,
इसके विपरीत कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन बाह्यार्थवादी है। उसके अनुसार ये जो दृश्य जगत है ये वास्तविक है। जितने भी पदार्थ कणाद ने बताए छः, और प्रशस्तपाद ने कहा षण्णाम अपि पदार्थानाम अस्तित्वाभिधेयत्व ज्ञेयत्वानि, इन छहों पदार्थों का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि ये अभिधेय हैं, भाषा द्वारा इनका अभिधान किया जा सकता है, और ये छहों पदार्थ ज्ञेय भी हैं, ये ज्ञान के विषय भी बन सकते हैं। तत्व संख्या की दृष्टि से शंकर दर्शन हम जानते हैं अद्वैतवाद है, जहाँ द्वैत की संभावना नहीं है, एक ही तत्व है, एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है। ब्रह्म और जीव में जो द्वैत है वो वास्तविक नहीं है, प्रातिभासिक है। जबकि वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये जो छह पदार्थ हैं ये परस्पर अपरिवर्त्य हैं, अतः यह एक बहुतत्ववादी दर्शन है। आधुनिक आंग्ल पदावली में कहें तो एक नॉन ड्यूअलिस्ट या मोनिस्ट है, और वैशेषिका इज अ प्लूरलिस्ट। जगत कारण की दृष्टि से अद्वैतवाद हम जानते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादी दर्शन है, जिसका आशय है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है और वही जगत का निमित्त कारण है, और इसके हम ब्रह्मवादी दर्शन कह सकते हैं। इस संबंध में मुंडकोपनिषद का ये पद्य उद्धृत किया जाता है, यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवतीह विश्वम्। किंतु वैशेषिक दर्शन के अनुसार जगत का उपादान कारण क्या है? चार प्रकार के परमाणु, इसलिए ये अणुवादी दर्शन है। स्वयं शंकर ने ये दो शब्द प्रयोग किए हैं, ब्रह्मवादी और अणुवादी। तत्रादौ तावत् यो अणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्प्रेक्ष्यते। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निमित्त कारण कौन है? प्राचीन वैशेषिक में ईश्वर की परिकल्पना नहीं थी, इसलिए अदृष्ट को ही निमित्त माना जाता था, और ये अदृष्ट भी बहुत ही विलक्षण शब्द है। अदृष्ट का भी विकास हुआ है, अदृष्ट की अवधारणा वैशेषिक दर्शन में विकसित हुई है। प्राचीन वैशेषिक में कणाद जिन जिन तत्वों की, जिन धारणाओं की, जिन विचारों की व्याख्या नहीं कर पाए, एक वैज्ञानिक की दृष्टि से, एक ईमानदार तत्वदृष्टा के भांति उन्होंने कह दिया ये सब अदृष्ट है। क्योंकि दर्शन क्या है? दर्शन है देखना, आँखों से देखना नहीं, स्थूल चर्म चक्षुओं से देखना नहीं, अंतर्दृष्टि से देखना, समझना और उसकी व्याख्या करना। जिन विचारों की व्याख्या कणाद नहीं कर पाए उन सब को उन्होंने अदृष्ट कह दिया, लेकिन बाद में आकर ये अदृष्ट धर्म और अधर्म का वाचक हो गया, कर्म फल का वाचक हो गया। किंतु इस सारे परिवर्तन में भी अदृष्ट एक जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं है। इसलिए बाद में उदयनाचार्य ने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाए वैशेषिक में, उन्होंने ईश्वर की सिद्धि की और ये स्थापित किया कि जगत का निमित्त कारण ईश्वर है और उपादान कारण परमाणु है। अब आते हैं प्रमाणों पर, क्योंकि दर्शन प्रमाण पर आधारित होता है। शंकराचार्य का दर्शन हम जानते हैं श्रुतिवादी है, एक स्तर पर आकर बाकी सारे प्रमाण जो हैं वो प्रतिहत हो जाते हैं, रुक जाते हैं। किंतु उपनिषद वाक्य या श्रुति सर्वोच्च प्रमाण है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। इसके विपरीत वैशेषिक दर्शन बुद्धिवादी है, वो अपने समान तंत्र न्याय दर्शन की भांति मानता है कि वेद का भी प्रामाण्य उसकी बुद्धिपूर्वकता में निहित है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, ये कणाद का सूत्र है। प्रतिपाद्य की दृष्टि से देखें तो शंकर दर्शन प्रारंभ होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसकी कल व्याख्या हो चुकी। ब्रह्म की जिज्ञासा ही इस शास्त्र का प्रथम प्रतिपाद्य है। वैशेषिक का प्रथम और प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, धर्म की व्याख्या। कौन सा धर्म? यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, जिसके द्वारा अभ्युदय भी हो और निःश्रेयस भी हो। शंकर केवल निःश्रेयस पर दृष्टि रखकर चल रहे हैं,
लेकिन कणाद क्लास वन कोई सीधे ही बड़ी पहले होता था, पाँचवीं में आठवीं में दाखिल हो गया, आजकल नहीं होता है। लेकिन कणाद तो नर्सरी से शुरू कर रहे हैं ना, वो तो पहले अभ्युदय से चलकर फिर निःश्रेयस तक पहुँचाएंगे, तो वो धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ कर सामान्य जन के अनुभव को साथ लेकर चल रहे हैं। फिर आते हैं संबंध पर। शंकराचार्य के मत में द्विष्ट संबंध की संभावना ही नहीं, क्योंकि दो चीज़ें हैं ही नहीं। संबंध सदा द्विष्ट होता है, दो चीज़ें चाहिए, शंकर के यहाँ दो तत्व हैं ही नहीं, इसलिए संबंध की अपेक्षा ही नहीं, वहाँ तो सब कुछ अभिन्न है। जिसे कल भट्ट साहब ने कहा, एक समन्वयवादी है और एक समुच्चयवादी है, तो वैशेषिक समुच्चयवादी है, वहाँ संबंध है, क्योंकि तत्व एक या दो नहीं अनेक हैं। दर वैशेषिक भेदवादी है, संबंधवादी है, और शंकर दर्शन अभेदवादी है, क्योंकि वहाँ दो तत्व नहीं हैं। फिर आते हैं शब्द पर। हमारे यहाँ शब्द की बहुत महिमा है भारतीय दर्शन में। शंकर दर्शन क्योंकि श्रुति को प्रमाण मानता है, और श्रुति नित्य है, श्रुति शब्द के कारण शब्द नित्यत्ववाद शंकर दर्शन का सिद्धांत है। शब्दार्थ संबंध भी नित्य है और शब्द भी नित्य है, जबकि वैशेषिक दर्शन आधुनिक विज्ञान की भांति शब्द अनित्यत्ववादी है। शब्द बोला जाता है और बोलने के उपरांत वो क्या होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी, जो तरंग है, वाइब्रेशंस हैं, यहाँ से श्रोता के कान तक पहुँचते पहुँचते वो तरंगें ग्रहण की जाती हैं। वो तरंगें भी दो प्रकार से ग्रहण की जा सकती हैं, कदम्ब मुकुल न्याय है और वीची तरंग न्याय है। तो ये पूरी एकूस्टिक थियरी वैशेषिक में है। आप देखिए, विज्ञान के अनेक पक्षों को कणाद का दर्शन अपने में समाहित किए हुए है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, परमाणुओं में जब अग्नि का संयोग होता है तो उनमें पाक होता है, पक जाते हैं। कच्चा आम गर्मी में रख दीजिए हरा, तो अगले दिन गर्मी के फ्रिज में रखिए तो वो दो चार दिन हरा ही रहेगा, कच्चा ही रहेगा। लेकिन अगर गर्मी में रख देंगे, उसके रूप, रस, गंध और स्पर्श बदल जाएंगे। उसके पीलुओं में, परमाणुओं में पाक हो जाता है, पीलू पाकवाद। तो पाक क्या है? पाक है केमिकल एक्शन। पाको नाम विजातीय स्तेजः संयोगः। जब हीट अप्लाई की जाती है तो मैटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब आते हैं कर्ता। शंकराचार्य के मत में जीव वस्तुतः कर्ता नहीं है, कर्तृत्वाभिमानी अवश्य है। अतः अद्वैत वेदांत वस्तुतः कर्तृत्व विसर्जन का पक्षधर होने से साक्षीवादी कहा जा सकता है। गीता ने जो अंत में कहा कि ये सारे जो पांच फैक्टर्स गिना दिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टाः, तो दैवम चैवात्र पंचमम, इन सब के होते हुए भी 20% केवल मेरे पास है, और मैंने समझ लिया कि ये सब मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे मैं बोलने की शक्ति ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ बुलाया नहीं जाता, अगर मुझे ये सब शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं होता, अगर ये सारे उपकरण और सुविधाएं नहीं होती, और ये होती हैं, ये सब कुछ होते हुए भी पता नहीं कब ये वाणी विरत हो जाएगी। तो शब्द बोलने वाला कोई नहीं है। अतः वैशेषिक दर्शन के अनुसार, लेकिन क्योंकि वैशेषिक व्यावहारिक धरातल पर है, ये बात अगर मैं जाकर सामान्य जन को समझाने लगूं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम टैक्सी नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा है, उसकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो कर्ता है, भोक्ता है और वही ज्ञाता है। इस दृष्टि से वो अपने कर्मों के लिए और अपने बंध मोक्ष के लिए वास्तव में उत्तरदायी है। हर दर्शन में कुछ सकारात्मक तत्व हैं और कुछ विकृतियां हैं जिनका हमें संशोधन और परिष्कार करना होता है। ज्ञान की दृष्टि से शंकराचार्य के अनुसार परम तत्व ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, मन या वाणी द्वारा उसका प्रकाशन असंभव है, अतः वह अनिर्वचनीय है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, या
केनोपनिषद में यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम येन यद वाचा न वदति येन वागभ्युद्यते यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। तो वहाँ पर ज्ञान स्वयं प्रकाश्य है, किंतु वैशेषिक दर्शन ने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली कि छह पदार्थ हैं, पदार्थों में कॉमन क्या है, सब एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, फिर भी कोई सूत्र है जो छहों को जोड़े हुए है। वो सूत्र क्या है? अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व। जो है उसका अभिधान भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि उसे जाना भी जा सकता है। तो यहाँ पर ज्ञान पर प्रकाश्य है। वैशेषिक में ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश्य है। और यहाँ प्राप्य प्रकाशकारित्व और अनुव्यवसाय के सिद्धांत दिए गए हैं। ज्ञान का भी ज्ञान होता है यहाँ पर। मैंने जाना, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, पहली बार मैंने इसको देखा तो इसको पहले तो घट ही होता था, अब ये बोतल है तो हम अयम घट, ये तो हो गया बाहर, लेकिन मैंने घट को जाना कि नहीं ये कैसे जाने? तो इस ज्ञान का, अयम घट इत्याकारक ज्ञान का, जब मुझे ज्ञान होता है तब मैं कहूँ कि घट ज्ञानवान हम, ये अनुव्यवसाय है। अयम घट ये व्यवसाय है, घट ज्ञानवान हम ये अनुव्यवसाय है। ज्ञान का भी ज्ञान होता है, ये वैशेषिक का सिद्धांत है। अब आते हैं वेद पर। शांकर वेदांत वेद या श्रुति को अपौरुषेय मानता है, क्योंकि वह नित्य है। इसके विपरीत वैशेषिक दर्शन वेद को पौरुषेय मानता है और ईश्वर रूपी सर्वज्ञ पुरुष को वेद का कर्ता मानता है। ईश्वर की सिद्धि के लिए उदयनाचार्य ने 8 तर्क दिए। इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो थीज्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ थीज्म हैज़ बीन लॉजिकली प्रोपाउंडेड बाय उदयनाचार्य एंड 8 आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन। आउट ऑफ दोज 8, 3 जो हैं वो वेद पर ही आधारित हैं। ईश्वर है क्योंकि उसने वेद की रचना की है। वेद प्रमाण है क्योंकि वो किसी मुझ जैसे या आप जैसे व्यक्तियों द्वारा विरचित नहीं है, वो ईश्वर द्वारा रचित है। तो वेद की प्रमाणता और ईश्वर की सिद्धि, इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि वैशेषिकों के अनुसार वेद पौरुषेय है और वेदांत में वेद अपौरुषेय है। अब अंतिम पॉइंट पर आती हूँ, दोनों की तुलना की दृष्टि से, कि स्थान की दृष्टि से भारतीय दर्शन परंपरा में वेदांत सर्वोच्च माना जाता है, इसमें संदेह नहीं। किंतु यहाँ ब्रह्म या परम तत्व को सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध किया और जब वैशेषिक ने बौद्धों के साथ कठोर और लंबा संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने आत्मा को सत सिद्ध किया, आत्मा को, चेतन तत्व को सत सिद्ध किया वैशेषिकों ने। उसमें चित्त का अंश जोड़ा सांख्यों ने। पहले केवल सत सिद्ध करना बहुत अनिवार्य था। जहाँ आत्मा को न मानने वाले बौद्धों का तुमुल हाहाकार चल रहा था, उदयन ने ग्रंथ लिखा बौद्ध धिक्कार, आत्म तत्व विवेक, और आत्मा की सिद्धि की, उसे सत बताया। सांख्य ने उसे ज्ञ या चित बताया और वेदांत ने उसे सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब दर्शनों में कोई वैर विरोध नहीं है। ये भारतीय तत्व दर्शन के विकास की कहानी है जिसमें क्रमिक परिष्कार होता चलता है। अब मैं 2-4 मिनट में जो अंतिम बिंदु है, जिसके बारे में कल से लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या तुम शंकराचार्य द्वारा वैशेषिक पर लगाए गए आक्षेपों का उत्तर दोगी। उन्होंने जो आक्षेप लगाए हैं, जैसा कल बताया गया, तर्कपाद के 2 अधिकरणों में, 6 सूत्रों में शंकराचार्य ने 10 आक्षेप लगाए हैं वैशेषिकों पर। महदीर्घत्व, ये परिमाण गुण की दृष्टि से है। परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरण, ये अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व की दृष्टि से है। और सबसे बड़ा प्रहार किया समवाय पर, उसमें अनवस्था दोष दिखाकर। अब समय तो है,
तो महद्दीर्घत्वाधिकरण में परमाणुओं के परिमाण की चर्चा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि शंकराचार्य ने जो आक्षेप लगाए हैं, मैंने आज के अपने व्याख्यान में केवल उन आक्षेपों की चर्चा की है। मेरा पूज्य बापू से निवेदन है कि ये आक्षेपों का समाधान, क्योंकि मैं वैशेषिक की विद्यार्थिनी हूँ और मैं जूझ रही हूँ इन आक्षेपों से पिछले 4 दशक में, और उसके लिए हमें एक अलग संगोष्ठी करनी पड़ेगी। आपने मुझे पूर्णाहुति सत्र में अंतिम वक्ता के रूप में बुलाया, तो मेरा कहना है कि अन्य दर्शनों के आचार्यों पर भी यहाँ संगोष्ठी होनी चाहिए। शंकराचार्य के बाद आप एक एक करके, मैंने आपको कल प्राचीन भारतीय आचार्य ग्रंथ इसी आशय से भेंट किया, तो ये जो महद्दीर्घत्वाधिकरण, परमाणु जगत, अकारणत्वाधिकरण और समवाय पर लगाए गए आक्षेप बहुत गंभीर हैं, और उनका अध्ययन करके सूक्ष्म विवेचन के अनंतर बहुत से आक्षेपों का उत्तर तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए, 10वीं शताब्दी में उदयन ने बहुत से आक्षेपों का उत्तर, प्रशस्तपाद ने भी ईश्वर की इच्छा को सिसृक्षा, महेश्वर सिसृक्षा, महेश्वर संजिहीर्षा का उल्लेख किया है, लेकिन शायद शंकराचार्य तक वो नहीं पहुँचा। उनकी सृष्टि प्रक्रिया पर तो वर्णन किया है, लेकिन महेश्वर सिसृक्षा और संजिहीर्षा कहने से कुछ आक्षेप तो अपने आप ही निरस्त हो जाते हैं। अन्य आरोपों का भी समाधान किया जा सकता है, और यही स्वस्थ दर्शन की भारत में परंपरा रही है, किंतु हमें इस विषय में अन्यत्र अन्य आचार्यों के साथ चर्चा प्रतिचर्चा के द्वारा उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। मैं अपने उपसंहार की ओर बढ़ती हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा और विषय की मर्यादा की दृष्टि से मैंने ये उचित नहीं जाना कि मैं यहाँ कणाद की प्रतिनिधि बनकर खड़ी हूँ। संगोष्ठी शंकराचार्य पर हो रही है, इसलिए मुझे विषय की मर्यादा का निर्वाह करना है। मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि शंकराचार्य ने वैशेषिक को अर्धवैनाशिक कह दिया और 3 आक्षेप लगा दिए, दुरुक्ति योगात्, वेद विरोधात्, शिष्टा परिग्रहाच्च। वैशेषिक की ओर से इन 3ों में से जो दुरुक्ति योग है उसका तो कोई विशेष उत्तर अपेक्षित नहीं, क्योंकि शंकराचार्य के अपने ही जो सजातीय व्याख्याकार थे ब्रह्मसूत्र के अन्य भाष्यकार, उन्होंने दुर्युक्तियों का आरोप उन पर लगा दिया। तो एक इंट्रा स्कूल डिबेट होता है और एक इंटर स्कूल डिबेट है। इंट्रा स्कूल डिबेट काफ़ी प्रखर और लंबा चला, लेकिन इंटर स्कूल डिबेट अब होना चाहिए। तो अन्य आपत्तियों का उत्तर, और जो उन्होंने कहा कि ये शिष्टा परिगृहित है, उसका उत्तर वैशेषिक पर परवर्ती काल में बहुत साहित्य लिखा गया। शंकर से पहले जितना साहित्य लिखा गया, 600 ईस्वी पूर्व कणाद का समय माना जाता है बापू, 800 ईस्वी जो है शंकराचार्य, इन 1400 सालों में वैशेषिक का बहुत सा साहित्य लुप्त हो गया। इसके बाद शंकराचार्य की जो प्रतिष्ठा हुई दर्शन जगत में, उस प्रतिष्ठा ने भी वैशेषिक की बहुत क्षति की। सर्वतंत्र स्वतंत्र वाचस्पति मिश्र ने सब दर्शनों पर टीकाएं लिखी, मीमांसा पर तो 2 लिख दी, लेकिन वैशेषिक पर एक भी टीका नहीं लिखी। तो ये क्षति हुई वैशेषिक दर्शन की, लेकिन इस क्षति की पूर्ति आज हो रही है, क्योंकि इस दर्शन ने वैज्ञानिक और बुद्धिवादी प्रवृत्ति का सहारा लिया। आज विश्व में अनेक विद्वान, अनेक विश्वविद्यालय इस दर्शन के अध्ययन, लेखन एवं शोध में प्रवृत्त हैं, और इस पर मेरे पास बहुत सी सामग्री है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों दर्शन धाराओं के परस्पर विरोध के विषय में जो धारणा प्रचलित है वह एकांगी और विषमता भरी है। व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने पर व्यक्त होता है कि शंकर अद्वैत दर्शन और कणाद का वैशेषिक आपाततः भले ही विरोधी प्रतीत हों, वास्तव में वे जगत की व्याख्या के प्रसंग में प्रस्तुत की गई 2 भिन्न भिन्न दृष्टियाँ हैं। एक परमार्थवादी है तो दूसरा पदार्थवादी है। तथापि जैसा कि पूर्वोक्त है, तत्व चिंतन के लिए वाद और संवाद की पद्धति भारतीय दर्शन की मान्य पद्धति रही है, अतः यहाँ वैशेषिक पूर्व पक्ष
और शंकर मत सिद्धांत पक्ष है, किंतु इसी पद्धति ने इस हमारे शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को समृद्ध बनाया है सहस्राब्दियों तक। अतः एक ओर तो शंकर मत की समीक्षा उनके अन्य भाष्यकारों ने की, रामानुज ने, मध्व ने और वल्लभ ने, और दूसरी तरफ भारतीय दर्शन की इस परंपरा में वैशेषिक आचार्यों ने भी समाधान प्रस्तुत किए। सारांशतः मैं कहना चाहती हूँ कि महनीय भारतीय दर्शन की प्रशंसनीय परंपरा का वैशिष्ट्य यही है कि यहाँ एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, लक्ष्य कणाद का भी निःश्रेयस है लेकिन अभ्युदय द्वारा निःश्रेयस है, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशिष्ट आचार्यों द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनमें परस्पर खंडन मंडन की प्रक्रिया भी प्रचलित हुई, किंतु अंततः उन सब का पर्यवसान सत्य के अनुसंधान में होता है। जैसा कि कालिदास का निम्न पद्य मैं उद्धृत करना चाहूँगी, वो कहते हैं, नदियों के जल का सम्मिलन सागर में आकर जैसे होता है, वैसे ही हे प्रभो सारे ये जो मत हैं ये तुम तक आकर रुक जाते हैं। बहुधा प्यागमैर भिन्ना पंथान सिद्धि हेतव त्वयि एव निपतन्त्योघा जह्नवीया इवार्णवे, जह्नवीया इवार्णवे। नमः।